Hey guys, I am coming back from my school and I don't know कौन सा लॉग है. Anyways, hey guys, welcome back to my YouTube channel. Also welcome to another vlog. अरे मैं स्कूल से आई थी तो मैंने सोचा चलो अभी व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं. डोंट वरी, मैं स्कूल में फ़ोन लेके नहीं जाती. एंड अभी मैं स्कूल से आई हूँ और बस अब घर चलते हैं. अब आप व्लॉग में हाय बोलना चाहेंगे? हाय बोलना. वो आज सो के उठी थी, फिर स्कूल जाने के बाद मैं सो गई थी. एक्चुअली वो स्कूल जाने के बाद मेरा रोज़ का ही सोना, तो इट्स नथिंग न्यू. उसके अलावा मैं आज बाहर जाके आई थी तो काफ़ी लेट हो चुकी हूँ. अभी 8 बजने वाली है, 10 मिनट बाकी 8 बजने में. एंड आई डोंट हैव एनी वर्क टू डू एक्चुअली. आई गेस आई विल प्रैक्टिसिंग सम फिजिक्स एंड और देखते हैं फिर कुछ और फिजिक्स की मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ. उसके बाद में आई थिंक आई विल डू वॉर. हाँ, SST के अंदर आर ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर गॉट स्टार्टेड ऑन आई डोंट नो व्हेन इट गॉट स्टार्टेड, बट आज हम लोग कंप्लीट हो चुका चैप्टर. तो देर आर इन टोटल लाइक 4 NCERT क्वेश्चंस विच यू हैव टू डू इन आर नोटबुक. ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड पता नहीं ऐसे ही कुछ नाम है, कुछ तो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है. तो वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. तो वी हैव टू सबमिट आर नोट, 4 ही क्वेश्चंस हैं आंसर्ड. तो वी हैव टू सबमिट आर नोटबुक ऑन मंडे, बट आई थिंक आई शुड डू इट टुडे इटसेल्फ ताकि फिर संडे आराम से निकलेगा और कुछ काम कर लेंगे. काम की तो कमी है नहीं, राइट? मम्मी ने जस्ट अभी बनाना शेक बनाया तो बनाना शेक पी लेते हैं. 8 बजे बनाना शेक पी रहे हैं तो फिर अब खाना लेट ही खाएंगे. तब तक कुछ फिजिक्स का वगैरह काम या SST का काम कर लेती हूँ, फिर देखते हैं. ओके पीपल, सो एक्चुअली मैं कुछ और दूसरा काम करने लग गई थी एंड मतलब यूट्यूब से रिलेटेड ही समझ लो काम. उसके अलावा मेरे पास कुछ है नहीं पढ़ने और यूट्यूब के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं लिटरली. आई एम थिंकिंग टू रिवाइज समथिंग इन इंग्लिश. इंग्लिश के अंदर कुछ रिवाइज कर लेते हैं. मैं थोड़ी सी फिजिक्स रिवाइज कर रही थी, थोड़ी सी. अभी एक्चुअली मेरे को आई के डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है. उसमें आई का कंसेप्ट तो मैंने यस्टरडे ओनली आई क्लियर्ड इट. तो आई के डायग्राम्स जो है मायोपिक आईज एंड हाइपरमेट्रोपिया एंड देयर्स अनदर वन, 3 है, उनको पढ़ लूँगी. एंड उसके बाद लेट्स सी अगर कोई कंसेप्ट क्लियर, अगर कहीं पर अटकूँगी तो आई यूज़ द फिलो ऐप फॉर श्योर. एंड अभी मैं इंग्लिश का करूँगी. बिफोर दैट मैं हॉल में जा रही हूँ टू गो एंड हैव सम यू नो नाइस डिनर. तो जाते हैं कुछ हल्का फुल्का खा के आते हैं एंड देन फिर मेरे पास में कुछ काम नहीं है रात को लेट तक. सो आई थिंक या यस, मैंने खाना खा लिया है. एक्चुअली पुलाव बने थे, मैंने बता दिया क्या? पता नहीं, आई डोंट नो कि मैंने बताया कि नहीं बताया, बट यस पुलाव बने हैं. एंड मेरे को एडिट करनी थी वीडियो, ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रही हूँ, मेरी खिड़की खुल गई, आस पास लोग सुन रहे हो. एनीवेज मेरे को थोड़ी सी एडिटिंग करनी है. आई विल डू इट देन, फिर बताती हूँ मैं क्या करूँगी. अभी मैं एक्चुअली एडिट कर रही थी, थोड़ा सा दिखा देती हूँ क्या मस्त सीन खुला हुआ है अभी. सो यस एडिट कर लो. Then I'll get you guys back. Hey guys, so it's the next day. रात को कल मैं एक्चुअली व्लॉग नहीं कर पाई थी ज़्यादा. आई डोंट नो क्योंकि मैं एक्चुअली मैंने कल कुछ से बताना, मैंने पढ़ाई में तो कुछ करा नहीं कल एंड होमवर्क में मैंने कल कुछ नहीं करा, थोड़ा बहुत करा था. उसके अलावा मैं अभी तो स्कूल जा रही हूँ एंड इट इज़ ऑलरेडी लाइक 7:40 एंड 7:50 हम लोगों का लाइक यू नो वो क्या कहता है कौन सा टाइम होता है, रिपोर्टिंग टाइम है. तो पहले ही जाना पड़ता है 7:30 बजे के आसपास ही. इट्स 7:40, यूजुअली मैं 38 पे निकल जाती हूँ, बट चलो अभी निकलती हूँ मैं. एंड हाँ, स्कूल से आने के बाद मैं आई कैच यू गाइस बैक. हो सकता है वो न्यू व्लॉग हो या ये वाला व्लॉग हो, आई डोंट नो. एक बार स्कूल जाके आ जाऊँ फिर ही मेरे को पता लगेगा. ठीक है. 2000 years later.
कौन सा व्लॉग है ये वाला आई डोंट नो बट स्टिल अगर वही वाला व्लॉग है तो कोई बात नहीं. एक्चुअली मैं एक्चुअली भी बाहर जाके आई थी एंड इट इज़ लाइक 8 मान लो रात की एंड आई एम स्टार्टिंग द व्लॉग राइट नाउ. येस्टरडे आई स्लेप्ट अ बिट अर्ली लाइक मैं कल 12 बजे समथिंग ही सो गई थी एंड आई हैव टू एडिट अ वीडियो फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो ऑल्सो. तो येस्टरडे आई वॉज नॉट एबल टू व्लॉग मच क्योंकि वही आज भी मैं लेट आई तो आज भी पता नहीं इतना व्लॉग नहीं कर पाई मतलब सुबह से तो मतलब कुछ व्लॉग नहीं करा. आई डोंट नो मैंने करा है कि नहीं करा बट एक्चुअली मैं भी व्लॉग स्टार्ट इसलिए करा था मैंने क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम ईटिंग दिस लॉलीपॉप. लाइक मैंने काफ़ी दिनों बाद मैं लॉलीपॉप खा रही हूँ. पता नहीं मैंने लास्ट टाइम कभी खाई थी लॉलीपॉप वो बबल गम वाली खाई थी मैंने लास्ट टाइम आई रिमेंबर क्योंकि मेरे को एक्चुअली चिंगम वगैरह बहुत पसंद है बट ज़्यादा खानी नहीं चाहिए चिंगम ऐसा मैंने सुना है बट आई लाइक ईटिंग चिंगम्स. एंड उसके अलावा आज मम्मी एक्चुअली ये लेके आई थी काफ़ी सारी टॉफीज है इसके अंदर एंड लाइक पोलो वगैरह भी है इसमें. लेट्स अभी तो मैं ये वाली खा रही हूँ मैंगो वाली ये रही है लॉलीपॉप. सो यस तो मैंने सोचा कि आफ्टर वाइल आई एम ईटिंग दिस तो क्यों ना बताया जाए व्लॉग के अंदर. नहीं मतलब ऐसा है कि टॉफीज चिप्स ये सब खाने से मतलब लाइक काफ़ी टाइम पास अच्छा हो जाता है. नहीं वाह यार मस्त टाइम पास हो जाएगा रे. एक हाथ से लेफ्ट वाले हैंड से ये खाती रहूँगी राइट वाले हैंड से एडिटिंग कॉपी पेस्ट तो हो गई है फाइल्स बस एडिटिंग करने की देरी है तो एडिटिंग स्टार्ट करती हूँ मैं. इट इज़ 7:41 मैंने बोलता ना 8 बजने वाली है 8 ही समझ लो 7:41 हुई है अभी. मैं एडिटिंग स्टार्ट करती हूँ एडिटिंग खत्म होती है वापस से ब्लॉग चालू करूँगी देखने के लिए कि मैंने देखने के लिए कि लाइक कितना टाइम लगा मेरे को एडिटिंग करने में क्योंकि मैं लेकिन मेरे को फिक्स नहीं पता है कि मेरे को कितना टाइम लगता है एग्जैक्टली. मोर ओवर ऑन 10th वी हैव द संस्कृत दिवस का प्रोग्राम इन आर स्कूल सो फॉर दैट वी आर लर्निंग यू नो श्लोक्स गीत के फॉर्म में. तो मेरे को श्लोक्स याद है बट मेरे को थोड़े से और यू नो उनको एकदम अच्छी तरीके से याद करना है सो आई विल बी डूइंग दैट टुडे. जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे दांत कमज़ोर हो रहा है.